हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज लुसेंट जीके की बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं जिस जिस पॉइंट को आपको आज समझाऊँगा केवल उसको ही आपने अंडरलाइन करना है, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना है, केवल केवल उतना ही पढ़ना है। यहाँ वहाँ की फालतू बातों को त्याग करके, दिमाग से बाहर निकाल करके केवल जो अभी बताया जाएगा आपको उस पर आपने अपना 100% देना है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको YouTube की एक न्यू गाइडलाइन के बारे में बताना चाहूँगा कि YouTube अब ये कहता है कि चैनल पर आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उन सभी सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशंस मिलेगा केवल उनको जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक करा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके बस सब्सक्राइब पे क्लिक करा और उसको छोड़ दिया ऐसे चैनल को, ठीक है, तो आपको इस चैनल का कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आपको डेडिकेटेड जब आपके पास टाइम होगा चैनल पे आप एंटर करेंगे, वीडियो टैब पे क्लिक करेंगे, तब आपको चलेगा पता कि हाँ भाई इसमें कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था। तो सबसे बेहतर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यही होगा कि आप पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अगर आपको नोटिफिकेशन डेली 1 से 2 नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं कराया, तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, पार्ट फोर में पहला टॉपिक है हमारा प्रदूषण के बारे में कि वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण की डेफिनेशन तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रदूषण एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रदूषण टोटल कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण की बात करी जाए तो हमको नॉर्मली पता होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, हमको 3 ही पता होते हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रदूषण को डिवाइड करा गया है वो करा गया टोटल 5 भागों में। तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है, एक जो अधिकतर पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ग्रेड डी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कुल कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ जो होगा उसमें बोलेगा ऑप्शन 5। तो इस तरह से आपको याद करना है कि राइट आंसर जो होगा आपका होगा 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो हाईलाइट करना है वो ये टॉपिक हाईलाइट करना है कि वायु प्रदूषक एस्बेस्टॉस, धूल जो होती है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, सीसा उदर को प्रभावित करता है, पारा रक्त धाराओं को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट माइंड पे अटैक करता है, माइंड को प्रभावित करता है, माइंड को दूषित करता है। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो पारा है ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से बुक में हाईलाइट करिए। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो मार्केट जो भी पास में पड़ती है उसको तुरंत आज परचेज कर लीजिए मार्केट में जा करके, ठीक है। ब्लू कलर की छोटी वाली या चौड़ी वाली जो भी आपको सही लगे वो आप ले आओ, ठीक है। सब में टॉपिक सेम ही है, कोई अलग नहीं है। अगर मार्केट बहुत दूर है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चल अगले पॉइंट की ओर कि ये क्वेश्चन जो है आपका 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था। भोपाल में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे गैस का रिसाव हुआ था, तो उसके बाद में बहुत जाल माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी गैस कहाँ से निकली थी, तो वो था आपका एक उर्वरक फैक्ट्री थी भोपाल में जो था मिथाइल आइसोनाइट के कारण क्या हुई थी, यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। ये मिथाइल आइसोसाइनाइट का नाम पूछता है आपसे, तो इसको आपने याद करना है। उसके बाद भी मैं आपसे बात करता हूँ कि पर्यावरण संस्थान कौन कौन से कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आपको याद करना है वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कैलकाटा में, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर है, ये भी है कैलकाटा में, ठीक है। बस केवल आपको यही 4 चीज़ें याद करनी है, और मिथाइल आइसोसाइनाइट याद करना है, और कौन से क्या रोग होता है, कौन सा प्रदूषण, जैसे कि बताया था पारा वगैरह मस्तिष्क वगैरह, इसको हाईलाइट करना है आपने। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, जल की कितनी परसेंट मात्रा हम लोग पीने योग्य जल हमारे पास में है, तो वह है 2.5 से 3% जल। अब देखिए पारा युक्त जल पीने से क्या होगा, कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मीन माता रोग, ठीक है। कौन सा रोग, मीन माता रोग।
एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से कौन सा जानलेवा रोग होता है, उस रोग का नाम बताइए। तो ये स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये एसएससी में तो आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मीन माता रोग, एमटीएस वगैरह जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बट एस्बेस्टोसिस नामक रोग के बारे में अब तक नहीं पूछा गया है। इसको मैंने हाईलाइट करा है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं। आगे बात करते हैं प्राणी विज्ञान के बारे में कि प्राणी विज्ञान क्या होता है। देखिए, संघ प्रोटोजोआ के बारे में बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राणी विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन होता है। तो जंतुओं के जितने भी कार्यकलाप होते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, वो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले किस चीज़ का विकास उनके अंदर होता है, तो ये सब जो अध्ययन होते हैं तो वो सब अध्ययन किस में होते हैं, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं फिलहाल की जो समस्त जंतु जगत को दो भागों में, दो उपजगतों में विभक्त करा गया है। पहला एक कोशीय जंतु जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिकीय जंतु प्राणी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुछ चीजों को पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटोजोआ होता है, इनका शरीर केवल क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ का शरीर किस प्रकार का होता है, ऑप्शंस ए बी सी डी आपको देगा, तो आपको याद करना है एक कोशिकीय होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे पोरीफेरा के बारे में, ये जंतु खारे जल में मिलते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म होता है खारे पानी में। अगला है आपका सिलेट्रेटा, तो प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं ये लोग। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्लैटी हेलमिंथिस, ये उभयलिंगी जंतु हैं, उदाहरण के तौर पर लीवर, फ्लूक, फीताकर्मी। तो फीताकर्मी किस प्रकार का जंतु है, देखिए फीताकर्मी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपके, तो फीताकर्मी किस प्रकार का जंतु, ये एक उभयलिंगी जंतु है। फिर हम बात करते हैं अस केलमिंथिस, ठीक है। तो एस क्लेमिंथिस ये क्या है, ये एक लिंगी जंतु है, गोलकर्मी होते हैं, जैसे ये सब गोलकर्मी के एग्जाम्पल है। उसके बाद में पिन वर्म, थ्रेड वर्म, ये जो होता है एक रोग का नाम है, ये मुख्यतः छोटे बच्चों के गूदे में पाया जाता है। इसमें क्या होती है, बच्चों में एक्चुअली काफी चुनचुनाहट सी होती है बॉडी में, स्किन पे काफी खुजली सी करते हैं, भूख कम लगती है, वॉमिट वगैरह बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है। और कुछ बच्चे रात भर क्या करते हैं, बिस्तर को गीला करते रहते हैं, बिस्तर में मतलब पेशाब करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एनिलीडा, एनिलीडा क्या होता है, कैचुआ, जोंक, ये सब जो कैटेगरी आती है वो आती है किसमें, ये आती है एनिलीडी में। और ये किस प्रकार के जंतु है, एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अब अगला जो पॉइंट नोट आप देख रहे हैं, नोट में देखिए कि कैंचुए में कितने हार्ट होते हैं, कितने दिल होते हैं, कितने हृदय होते हैं, तो चार जोड़ी, चार जोड़ी का मतलब, जोड़ी का मतलब दो, चार दुनी आठ, आठ हृदय पाए जाते हैं किसमें, कैंचुए में। आगे बात करते हैं, देखिए हम ऑर्थोपोडा के बारे में, शरीर को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, किसको, ऑर्थोपोडा को, सिर, वक्ष एवं उदर। और ये प्रकार क्या होता है, ये प्राय एकलिंगी होते हैं। निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन होता है शरीर के अंदर। फिर हम बात करते हैं दीमक, दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक किस प्रकार का कीट है, तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको याद करना है, सामाजिक कीट है, जो क्या करते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। दीमक क्या होते हैं, दीमक कॉलोनी में रहते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि दीमक कहाँ लगती है, लकड़ी, फर्नीचर पे। फर्नीचर कहाँ पे होता है, आपके घर में, आपका रहता है कॉलोनी में, बस ये याद कर लीजिए आप। अगला जो है आपका मोलस्का, मोलस्का क्या होता है, इसका जो रंग होता है ना, इसका जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, वो ब्लड का जो रंग होता है, ये रक्तहीन होता है, मतलब रंगहीन होता है, मतलब पानी के जैसा इसका रंग होता है, किसका, मोलस्का का। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा सरीसृप के बारे में, मतलब कि सांप के बारे में, किस वर्ग में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, इनके अंडे होते हैं किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढके होते हैं इनके अंडे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट याद करना है आपको। और सांस कहाँ पे लेते हैं, सांस ये फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एक सर्प है, एक सांप है, नागराज, नागराज हमेशा क्या करता है, घोंसला बना करके ही रहता है, वो बिल में कभी नहीं रहता है, वो घोंसला बनाकर घोंसले में आराम से आराम करता है मतलब। और समुद्री सांप जो होते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिश, इसको हम हाइड्रोफिश को बोलते हैं समुद्री सांप को, और ये सबसे ज्यादा जो होते हैं जहरीले होते हैं, क्या होते हैं, पॉइजन इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है 639, कितनी, 639।
और शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम आपको याद करना है, ये है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीडियस। ठीक है, तो कुल छोटी बड़ी ये आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में, जिसका पीएच मान क्या होता है। एग्जाम में पीएच मान ही पूछता है और कई बार पूछा गया है, तो पीएच मान होता है 7.4, और बॉडी में जो होता है वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य होता है 18+, मतलब 18 साल से उम्र के ऊपर जितने भी मनुष्य होते हैं वो सब कहलाते हैं वयस्क मनुष्य। उनके बॉडी में कितना लीटर रक्त होता है, तो ये होता है 5 से 6 लीटर, और जबकि महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम से कम रक्त कम पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना। आरबीसी के फुल फॉर्म ये है, निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो ये आप पेन डाउन कर लेना अगर बुक नहीं है आपके पास तो। ठीक है, आरबीसी के फुल फॉर्म, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, और उसकी डेथ कहाँ पे होती है, डेथ किसकी, अस्थि, ये आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, यकृत या फिर लीवर या फिर पीलिया में। तो इसलिए हम बोलते हैं, हम यकृत या पीलिया को क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्रगाह, या कब्र कहा जाता है इसको। ठीक है, कब्र गाह बोल सकता है या कब्र बोल सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, रक्त की कमी से, या हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी से एनीमिया रोग होता है। और सोते वक्त क्या होता है, आरबीसी 5% कम हो जाता है, जबकि अगर आप 4200 मीटर नॉर्मल जो समतल भूमि होती है उससे अगर आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाके रहते हैं, किसी पहाड़ वगैरह में रहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपके आरबीसी की जो मात्रा होगी वो 30% क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और आरबीसी की जो संख्या होती है बॉडी में, संख्या होती है ये न्यूमेरिक के रूप में आरबीसी हमको मिलता है, लेकिन ये काउंट कैसे करते हैं आरबीसी, आरबीसी जो काउंट करते हैं वो करते हैं हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ये आप याद करना, इस यंत्र के द्वारा क्या होती है, आरबीसी की काउंटिंग होती है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म ये है, जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, मृत्यु होती है केवल रक्त के अंदर ही। ठीक है, लेकिन देखिए आप डब्ल्यूबीसी को आरबीसी में मर्ज मत कर देना। ठीक है, आप केवल एक बार पढ़ के आप सोच रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार वॉच करना, और बुक के साथ में अपने एक एक पॉइंट जो आपने हाईलाइट करा है उसको टैली करना, और खुद भी बोल बोल के देखना, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ याद हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट जो है वो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है। तो ये उत्तराखंड एमपीपीएससी या फिर आपका यूपीपीएससी में रेशियो पूछा गया है कई बार। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में भी एक दो बार पूछा गया है, लेकिन आप भी इसको याद करिए, काफ़ी ईजी है रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। 600:1 होता है, और तो आपको याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त बिम्बाणु क्या होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और डेथ कहाँ पे होती है, पिलिया में। जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का। बस यही पॉइंट हाईलाइट करना है आपको। डेंगू जो ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपने देखा होगा किसी को अगर डेंगू होता है, अड़ोसी पड़ोसी शर्मा जी वर्मा जी आपके यहाँ पर कोई भी रहते होंगे, तो उसके कहते हैं डेंगू हो गया, अभी लास्ट ईयर बहुत डेंगू डेंगू चला था। तो डेंगू में जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी सबसे पहले प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो प्लेटलेट्स काउंट करते हैं कितनी है, प्लेटलेट्स, ना कि कप प्लेट, किचन की कप प्लेट नहीं है ये, प्लेटलेट्स है, तो ये आपकी डाउन हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, उसमें ब्लड की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मल लोग कहते हैं कि यार ठीक है ब्लड चाहिए, हमारा वो जो रिलेटिव है वो एडमिट हो गया है, तो उसको ब्लड नहीं है एक्चुअली, उसको प्लेटलेट्स चाहिए। तब हम लोग ये सोचते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कितना, हम पूछते हैं क्या है अभी उसका, तो वो बोलता है ए है, लेकिन हमारा क्या होता है बी होता है, हम देते नहीं है फिर। तो प्लेटलेट्स अलग चीज़ है, ब्लड ग्रुप अलग चीज़ है, ब्लड में से ही आपका प्लेटलेट्स निकाली जाती है, प्लेटलेट्स किसी को भी चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आपने ब्लड दिया, डॉक्टर क्या करेंगे, हॉस्पिटल क्या करेगा, ब्लड में से प्लेटलेट्स अलग निकाल लेगा। ठीक है, वो प्लेटलेट्स ए वाले को चढ़ा सकता है, आपका ब्लड ग्रुप से प्लेटलेट्स की कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी को कुछ भी जरूरत पड़े तो अगर आप दे सकते हैं ब्लड, तो देने में कंजूसी मत करिए। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको कि आपका ग्रुप कोई भी हो, लेकिन आप किसी को भी प्लेटलेट्स के लिए अपना ब्लड दे सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ही चाहिए, और पूरा ब्लड उसके बॉडी के अंदर आपने चढ़वा दिया, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ऐसी खैर गलती आप खुद नहीं करेंगे, वो डॉक्टर करते हैं ये काम। ठीक है ना, डॉक्टर तसल्ली से मैच करेंगे आपका ब्लड और उसका ब्लड, लगेगा कंपेटिबल हुआ आप उसके बहुत अच्छे से, तभी वो ब्लड आपको चढ़ाएगा, वो नहीं चढ़ाएगा। पहली बात तो बी का तो ए में कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है विटामिन के, रक्त के थक्का बनाने में
सहायक होता है, ठीक है। तो जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड की जो क्लोटिंग बनती है, कौन से विटामिन से बनती है? विटामिन के से बनती है, और रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। और इसी के साथ एक बात और कि जैसे कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसके अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में से बहुत जल्दी फ्लो में ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में 2 से 3 मिनट में या 2 से 5 मिनट में ब्लड की क्लोटिंग नहीं जमेगी, ब्लड नहीं जमेगा, ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, जल्दी जल्दी लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर लोग उसके ब्लड के अंदर क्या करते हैं, उसके बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है उसके बॉडी के अंदर विटामिन के की मात्रा बहुत स्पीड से बढ़ जाती है अचानक, और खून जो बहना होता है वो रुक जाता है, ठीक है। वहाँ पे काम करता है विटामिन के, याद रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं वीटा इंक्रीज कर दो, वीटा इंक्रीज वो विटामिन के नहीं बोलेंगे आपके सामने, ठीक है। ये मेडिकल टर्म होती है, डॉक्टर और नर्स आपस में इससे जो अच्छे से समझते हैं, तो फटाफट क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट अगर आप एक्सीडेंटल केस को लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो विटामिन के की मात्रा आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हो जाती है, अपने आप नहीं होती, वो इंजेक्शन इनकी वो बॉडी में लगाते हैं तब होती है इंक्रीज। अब देखिए, रक्त जो रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन का नाम बताइए। उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजन, राइट। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप का जो आविष्कार करा था वो करा था लैंड स्टीनर ने, कब करा था, 1900 में करा था, लेकिन किस सन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रियल में ये नोबेल पुरस्कार के ही लायक हैं इंसान, ये वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले के टाइम पे ब्लड ग्रुप का कोई भी लेना देना नहीं था, लोगों को मतलब ही नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो क्या करते थे, किसी को चोट लग गई, ठीक है, डॉक्टर पे बैठा है, उसको पता ही नहीं कि साइंस में एक ब्लड ग्रुप भी नाम की कोई चीज़ थी। तो उससे पहले सिंपल किसी को ब्लड किसी का चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो चढ़ाने के बाद में क्या होता था, ब्लड चढ़ाने के बाद में उस इंसान की डेथ हो जाती थी। अगर आप ए वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी ना, ये तो आपको पता होगा। तो हम कहते थे कि उसका खून काफ़ी ख़राब था, उसने दिल से खून नहीं दिया अपना, उसने मतलब कि मरे मन से उसने खून दिया, इसलिए ये हमारा पेशेंट था, इसको ये खून इसका सूट नहीं करा, या फिर तांत्रिक पूजा पाठ वो सब हम लोग एक्सक्यूज देते थे काफी टाइम पहले। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का जैसे ही पूरा ग्रुप बनाया गया, ब्लड का ये ग्रुप ग्रुप होते हैं, इसको इसी का ब्लड ग्रुप चढ़ता है, ये समझाया गया, साइंस ने इसकी खोज करी, उसके बाद में जा करके लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला। तो ये कौन थे, लॉर्ड सॉरी ये थे कार्ल लैंड स्टीनर ने, बहुत अच्छा योगदान दिया है साइंस में, बहुत बड़ा काम करा है। उसके बाद में इनको नोबेल पुरस्कार सेम ही वर्ष मिल गया, मतलब 1930 में मिल गया, 30 वर्ष बाद मिला, थोड़ा लेट मिला, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के रक्तों की भिन्नता जो होती है, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप बनता है ये किस कारण बनता है, ये बनता है एंटीजन के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी में पाए जाने वाली 2 टाइप के हमारे प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लाइको, एक होता है आपका एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीजन क्या होता है, देखो एंटीजन ही डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। अगर एंटीजन ए हमारे ब्लड में होगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। एंटीजन बी वाला जो व्यक्ति होगा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका बी होगा। जिसमें ए और बी दोनों पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। जैसे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, ठीक है, मेरे अंदर एंटीजन ए भी है और बी भी है, दोनों चीज़ मेरे पास में है, तो मैं सबसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को अपना ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर एंटीजन ए भी है, बी भी है और ए बी भी है, और एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, अगर एंटीजन नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखिए एंटीजन एंटीजन का खेल है, ए वाला बी को नहीं दे रहा क्योंकि इसमें एंटीजन क्लैश कर रहा है आपस में, ठीक है ना, एंटीजन ए वाला बी को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कोई एंटीजन का पंगा है ही नहीं, ब्लड ग्रुप जो ओ है व्यक्ति, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके पास एंटीजन नहीं है, भाई एंटीजन नहीं है, एंटीजन वाला सबको वेलकम कर सकता है, सबको वेलकम इन द सेंस कि सबको दे सकता है अपना ब्लड, तो ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा एंटीजन की कहानी क्या होती है। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 वर्ग, ए बी और ओ। उसके बाद में क्या होता है, ए बी सर्वग्राहिता होता है, सबसे ग्रहण कर सकता है, ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर एच तत्व के बारे में, कि आर एच तत्व 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीरन ने करा था। अब हम बात करते हैं फिलहाल कि माता पिता का रक्त समूह जो होता है, अगर माता पिता का दोनों का ही रक्त समूह ओ ओ होगा तो बच्चे का भी रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अगर ए ए होगा, दोनों का सेम होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ए से ए मिलकर के ओ भी बन सकता है या सिंगल ए भी हो सकता है, तो ये संभावित है सबके सब। और बी वाला जो होगा, मदर और फादर दोनों का अगर ब्लड ग्रुप बी भी है तो क्या होगा, रक्त समूह बी भी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है, तो ये 3 ही आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल की प्लेलिस्ट के सभी बुक के वीडियो जो भी बन रखे हैं उन सबको देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
और आप चाहें तो हमारे चैनल को पेटीएम के माध्यम से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पेटीएम मत करिएगा। अगर आप एक वर्कर हैं, चाहे प्राइवेट जॉब ही क्यों ना करते हैं, अगर आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना तो इस चैनल पर पेटीएम के माध्यम से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी मन के ऊपर है। तो इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लो मार्केट से। बाय बाय।